नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। आप लोगों ने एग्जाम एनालिसिस देखा ही होगा, सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब सब्जेक्ट वाइज भी एनालिसिस बहुत जल्द आने वाला है। रीजनिंग का टेक्स्ट बुक यूपी चैनल पे लाइव है, बाकी सब्जेक्ट का भी आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले सर लोगों से पूछते हैं कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, कैसे क्या क्वेश्चन आए थे। तो योगेश सर, मैथ का कितने क्वेश्चन आए थे सेकेंड शिफ्ट में? मैथ्स के क्वेश्चन देखे जाएँ तो करीब 18 क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूं कि भाई पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छा इन द सेंस कि आप एवरेज बच्चा भी है ना, वो भी कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन बना के आएगा और बहुत अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों शिफ्ट में यही देखने को मिला है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा DI के लिए, DI हर शिफ्ट में आ रही, 5 क्वेश्चन लेकर आ रही है। पहली शिफ्ट में आपने DI देखा कि बार ग्राफ आया है, दूसरी शिफ्ट में आपने लाइन ग्राफ देखा है, और कल के लिए आप लोग तैयार रहिए। कल आपको पाई चार्ट देखने को मिलेगी और साथ ही साथ टेबल वाली DI जरूर देखने को मिलेगी। अच्छा, और सर ये क्या क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं क्या? क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन उनका जो करने का तरीका है ना, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी AP का एक क्वेश्चन आया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला, सेकेंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो मतलब अगर पूछा जा रहा है AP, तो AP यानी कल भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन चैप्टर वही लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इस शिफ्ट में ये चैप्टर आया तो अगली शिफ्ट में वो चैप्टर नहीं आया। अच्छा। चैप्टर आ रहा है, उससे दूसरा क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम हो गया, सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो गया। बिल्कुल, तो उसमें मैथ के क्या एवरेज मतलब लेवल क्या था, ऊपर नीचे हुआ या सेम था? देखो, कह सकते हैं कि देखो DI थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये लाइन ग्राफ वाली आपकी DI है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से DI आई है। ठीक है, लाइन ग्राफ वाली DI, तो सेकेंड शिफ्ट में स्लाइटली आप कह सकते हो कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हुआ है। टफ मतलब उतना आप वैसा ना मान लेना कि बहुत टफ हो गया, हम पेपर नहीं कर पाएंगे, पेपर कर लोगे, लेकिन कंपैरिजन टू सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा हाई था। तो चलिए मैथ का आप लोगों ने सुनी लिया, अब रीजनिंग का पूछ लेते हैं। वैसे यूपी कांस्टेबल में रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अभी मैम ने एग्जाम एनालिसिस कवर किया है और एक कंप्लीट आपका आने वाला फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का रात में आने वाला है। मैम उसी का कंटेंट भी बना रही, देखो ये सारा लिखा पढ़ी कर रही मैम। तो फिलहाल मैम आपने सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देख लिया, तो उसमें क्या रहा रीजनिंग का लेवल? देखिए, रीजनिंग का लेवल मॉडरेट ही रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलूँगी। और अगर मैं कंपैरिजन करूँ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो मुझे सेकंड शिफ्ट के थोड़े से क्वेश्चंस और लेंदी दिखे। सीरीज़ भी जैसे फर्स्ट में एकदम तुरंत लग जा रही थी, लेकिन इसमें जो एक सीरीज़ थी वो थोड़ी सी पजल थी, अगर स्टूडेंट उसमें टक गया तो 3-4 मिनट दे सकता है अपने। तो मैं अगर कंपैरिजन करूँगी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी डिसीजन मेकिंग के सुबह वाले जो क्वेश्चन थे वो बहुत डायरेक्ट डेटा दे रखा था। ये जो सेकंड वाला डेटा था, मुझे टाइम लग गया। अब आप सोच सकते हो मुझे उसको पढ़ के करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो स्टूडेंट के लिए तो और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल हाँ उसी में लगी हुई थी, और मैं और इसलिए डबल रीचेक और कर रही थी कि आप लोगों तक आंसर की गलत ना पहुँच जाए। लेकिन मैंने उसी टाइम ऑब्जर्व कर लिया कि सुबह के कंपैरिजन में ये वाला पेपर थोड़ा सा लेंदी देखने को मिला है, बाकी अलग कुछ नहीं था। डिसीजन मेकिंग था, सीरीज थी, सेम टॉपिक सेम पैटर्न, बट थोड़ा सा लेंदी में ज़रूर फर्क आ गया मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट में। तो अच्छा, तो मैम अभी सेकंड कल भी दो शिफ्ट में एग्जाम होना है, तो कल वालों को क्या सजेशन दोगे कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कल? कल भी सेम ही मुझे लगता है, सेम ही पैटर्न है। अगर फर्स्ट और सेकंड में सेम है तो थर्ड फोर्थ में भी सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चंस का लेवल मतलब लेंदी हो सकता है, या हो सकता है फर्स्ट में कल जैसा, आज का फर्स्ट जैसा रहे और सेकंड में। तो मैं एक ही सजेशन दूंगी कि क्वेश्चंस की रीडिंग जो है वो थोड़ा सा अपना फास्ट रखना, क्योंकि एक बार आप जब पढ़ लेते हो ना और दोबारा से रीचेक करते हो तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है, लेकिन आप एक ही को बहुत संभल के पढ़ रहे हो, क्योंकि एक बार दोबारा से कभी ना कभी पढ़ने की जरूरत तो पड़ती है। तो वन टाइम जो रीडिंग करो उसको एकदम इंस्टेंट कर दो बहुत जल्दी से, फिर दोबारा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उनको पिक करते जाओ। तो मैं रीडिंग स्किल्स पे कहूंगी ध्यान देना, क्योंकि चाहे वो पुलिस वाला जो पोर्शन आ रहा है ना मानसिक क्षमता का, या फिर ये डिसीजन मेकिंग, ये दोनों ही लेंथी क्वेश्चंस हैं। अच्छा। तो रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। कुछ कमेंट मैसेज भी आ रहे थे कि आपकी क्लास के कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे लगता है देखिए ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन अगर हम मेंटल एप्टीट्यूड, तो मैंने आवे सर पे छोड़ दिया था और उन्होंने बहुत अच्छा कवर कराया है, अगर उसको छोड़ दे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने सेशन में ना कवर किया हो, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न आया है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो चलिए, आपका एक क्लास आने वाला है 8 बजे। हाँ, 8 बजे मेरा क्लास है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस पूरे हम डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं आसपास के
वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे। चलिए 8 बजे आप लोग जुड़ जाना रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर में क्या कैसे क्वेश्चन का लेवल रहा। ये जितेंद्र सर हैं, एनालिसिस में देखा ही है, तो सबसे पहले बताइए सर सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का क्या लेवल रहा। देखिए बहुत ही सिंपल लेवल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि क्वेश्चंस की बात करें तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। खास तौर से जो टॉपिक था उसी टॉपिक को रिपीट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर सुबह पूछा था कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो खेती जब पूछा था तो विटीकल्चर था। इसी तरह से इसमें पूछा था कि नीली क्रांति से संबंधित क्या है, तो फिश के उत्पादन से था। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करके टॉपिक को वहीं रखा है, बस क्वेश्चन का टाइप बदल दिया है। तो आने वाले में जो तीसरा और चौथा शिफ्ट जो है उसमें भी इस क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। ये चीज़ का मांग चली। अब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे, ऐसा पूछा तो हो सकता है कि अब की बार ये पूछ दे कि उत्तर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हु बहु क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल मॉर्निंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही था। और ख़ास तौर से साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पर उतना नहीं पूछा गया। यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया वो यूपी स्पेशल पे फोकस किया गया, साथ साथ में हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे और ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो तीन चीज़ों पर फोकस करिए, और ख़ासतौर स्टैटिक जीके पे आया है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि स्टैटिक जीके चाहे करेंसी है इसको भी देख कर जाना चाहिए। और करेंट अफेयर्स में ख़ासतौर से याद रखना है कि लास्ट के 6 मंथ का करेंट अफेयर्स देख लीजिए। अब टाइम तो चुकी नहीं, चुकी रात ही बाकी है, तो अब करें क्या इतनी जल्दी। तो मैं तो ये कहूँगा कि दिसंबर का और जनवरी का करंट अफेयर्स देख लीजिए, तो भी आपको जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, तो चलिए एपीएस सर से पूछ लेते हैं करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देख ही लिया आपने। करंट अफेयर्स के 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, और पेपर देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर बेसिक भी पढ़ाई करी होगी तो 25 सवाल तो आराम से हो जाएंगे, मतलब ऐसा पेपर है। और अगर थोड़ी सी फट मारी होगी तो 30+ तो सारे बच्चे कर रहे होंगे। अब ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि आपको जो आसान सवाल आ रहे हैं वो गलत नहीं करने, अगर वो गलत करें तो फिर आप रेस में हो जाओगे पीछे की चीज़ है। और टॉपिक रिपीटेड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ सुबह भी बोली थी, टॉपिक रिपीटेड है। संविधान सभा सुबह सवाल था, अभी भी था, जैसे कि आप देखो कि एग्रीकल्चर सुबह सवाल था, अभी भी था, जो कि राजस्व संहिता है सुबह भी डायरेक्टली सवाल था, अभी सवाल वहीं से था। तो जो भी टॉपिक आपके आज और कल आए हैं वो, जैसे कि पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो आए हैं वो टॉपिक नोट करके उनको एक बार पढ़ के चले जाइए। कल का पेपर आप मान के चलिए कि 33-34 सवाल आराम से हो जाएंगे, मतलब आराम से हो जाएंगे। अच्छा, और सर मतलब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक हिस्ट्री के कितने, जियोग्राफी के कितने, साइंस के। तो यार इसमें ना ऐसा कुछ बैटरीज नहीं है कि मतलब किसी की बैटरीज बहुत ज़्यादा कर दिया हो, मतलब लगभग बराबरी बराबर पूछे हैं। तो हिस्ट्री के भी ऐसे ही 3-4 सवाल हैं, और पॉलिटी के भी हमने सोचा बहुत टफ सवाल आएंगे पॉलिटी के, बट पॉलिटी के वही 3-4 सवाल देखने को मिले हैं, और बिल्कुल इंट्रोडक्टरी टाइप के, मतलब सीधे सीधे सवाल हैं। ज्योग्राफी के और एग्रीकल्चर वाले क्योंकि 2 सेक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पे 4 से 5 सवाल पूछे हैं। इकोनॉमी के 3 सवाल देखने को मिले थे, करंट अफेयर्स के हाँ 4-5 सवाल मिले थे, और साइंस का भी देखा जाए तो 1 सवाल मुझे देखने को मिला अभी शिफ्ट में जिसमें पूछा गया था लैक्टिक एसिड पूछा गया था, ऐसे करके दो। तो अपने मैंने पहले भी बोला था कल कि एसिड सवाल आ सकता है, तो जो अप्लाइड साइंस है वहाँ से सवाल आ सकता है। अच्छा, और यूपी जीके के 4-5 सवाल हैं। यूपी जीके के 4-5 सवाल इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्टली सवाल हैं, सुबह वाले शिफ्ट में आए थे मुझे लगता है 5-6 सवाल थे, अभी भी सवाल 4-5 सवाल आपके आए, तो कल भी 5 सवाल माने चले यूपी जीके के आएंगे। अच्छा, तो कल वाले किस पे ज़्यादा फोकस करें? यूपी जीके देख लो एक बार, यूपी जीके में जो यूपी का इंट्रोडक्शन है मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, वो देख लो। इसके अलावा जो डिस्कवरीज हैं और ऊपर से जो ह्यूमन जो एसिड वगैरह कहाँ पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, वो देख लो। कॉन्स्टेंट असेंबली का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल फंडामेंटल राइट तक वो देख लो। और इसके अलावा साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ज्योग्राफी में आपको जो चोटियाँ वगैरह, चोटियाँ कहाँ पर है, हाँ एक चीज़ और है कि दर्रे वगैरह से सवाल आ रहे हैं, दर्रे जैसे कनाइन पूछा गया था अभी उस, और सुबह एक घाटी पूछी गई, तो हो सकता है अभी स्टेट से या वैसा सवाल आ जाए। तो जो वन लाइनर सवाल होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वही आ रहे हैं, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और सर एक चीज़ ये भी बता दीजिए, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है कि अभी जैसा आज का 17 से 1st और सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया, तो जो अभी क्वेश्चन आए हैं तो उसी के आसपास के आएंगे या फिर कुछ ज़्यादा चेंजेस? ना, चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो फिर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो टॉपिक जो है ना, जैसे जो जो टॉपिक कवर किया है, जैसे अभी मान लो कि हम अभी तुम्हारे बारे में कुछ पूछें, तो जैसे कि अभी मैंने सोम एक टॉपिक पकड़ लो, तो आज मैं तुम्हारा नाम पूछ दूँ, कल मैं हो सकता है कि तुम्हारे पापा का नाम पूछ दूँ, कल मैं हो सकता है तुम्हारा ये पूछ दूँ कहाँ रहते हो, तो लेकिन चेंज ये नहीं होगा कि सोम से एपीएस आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है दोनों शिफ्टों में, और यही कल होगा कि जो टॉपिक है उन पर ध्यान रखना, टॉपिक के अलावा आसपास घूम के सवाल पूछ लेंगे। हाँ, तो कुल मिला करके जो अभी 17 के 1st और 2nd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसी के आसपास थोड़ा सा फोकस करना है ना। तो चलिए ठीक है, बाकी अब हिंदी की बात कर लेते हैं। बिना सर की खुशी का तो पूछो ही मत, इन्होंने पेपर देख करके इतने खुशी खुशी गए कि पूछो मत, और तब से खुश हैं और लगातार खुश हैं।
तो हिंदी का जो पेपर है यार, वास्तव में सर जो सुबह शिफ्ट में हुआ था उससे भी इजी आया है। सबसे खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो सुबह शिफ्ट वाला एनालिसिस लेके गया था पूरा डिटेल में, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिले हैं। कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहा है मेरे भाई, जो मान लीजिए जो पेपर आया उसके ऑप्शन जो है, अगर आप उनका अच्छे से पोस्टमार्टम कर लोगे तो आधा पेपर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं हिंदी में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर यही कहूँगा, 6 घंटे वाली कुछ नहीं देख सकते हो, PDF ही देख लो या एक बार जा करके क्लास देख लेना, और एनालिसिस जरूर देख लेना क्योंकि अभी 7 बजे एनालिसिस लेकर के जा रहा हूँ। जो इस वाला शिफ्ट हुआ है उसका फिर से पोस्टमार्टम करूँगा पूरी तरह से। जैसे अच्छा, आप कल के क्लास का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे, मैराथन में भी कर रहे थे, तो आप ये भी बता दो कि कल वाली क्लास से कितने क्वेश्चन लगभग बने हैं? कल वाली क्लास से अगर मैं बात करूं तो दोनों को अगर मिलाया जाए तो कम से कम 30 क्वेश्चन उधर मिले होंगे हुबहू। अच्छा, मतलब हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन वगैरह को देखा जाए, क्लास भी लाइव है, और उसके बाद जो है सेम क्वेश्चन आपके यहाँ से भी मिले होंगे इसमें क्या कहते हैं, और भैया जो मैंने वो साहित्य पढ़ाया था उसमें पूरा साहित्य छपा है, डिट्टो छपा है मेरे भाई, साहित्य वाला पूरा का पूरा सेम टू सेम छपा है। तो मैं इसीलिए खुश हूँ यार कि मतलब हिंदी वास्तव में 98% फंसा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके अकॉर्डिंग हिंदी का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? मैं मॉडरेट तो नहीं करूँगा, हिंदी का लेवल बहुत ईजी था और वास्तव में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था, उससे भी कई गुना ईजी था। अच्छा, तो अपने अकॉर्डिंग ये बताइए कि आज 17 फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया, तो आपके अकॉर्डिंग हिंदी में कितना सही क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया तो वो ठीक किया? देखिए 37, देखिए सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 38 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे क्योंकि